चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री किम गोंग से दिल्ली में G20 समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। ये द्विपक्षीय बैठक भारत और चीन की मौजूदा दिक्कतों को दूर करने पर केंद्रित रही, जो लगभग 45 मिनट तक चली। किम दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री बने थे, जिसके बाद उनकी जयशंकर के साथ यह पहली मुलाकात है और पूर्वी लद्दाख में 34 महीने से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के बीच ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक किम गोंग ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने के साथ साथ संवाद और मतभेदों को सुलझाना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को जल्द से जल्द बढ़ावा देने के साथ और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि चीन विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ आदान प्रदान और सहयोग की बहाली में तेजी लाने, जल्द से जल्द हवाई सेवा फिर से शुरू करने और लोगों से लोगों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए इच्छुक है। बता दें कि मार्च 2020 के बाद से ही भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा सस्पेंड है। दरअसल 2020 में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी के बीच चीन ने अपनी सीमा को सील कर दिया था। उसके बाद से ही भारत और चीन के बीच विमान सेवा पर लगभग रोक लगी हुई है। इसके अलावा पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक संघर्ष के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा क्षेत्र में गतिरोध पैदा हुआ था। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण टकराव के बाद दोनों देशों के बीच संबंध में और तनाव आ गया था। तो वहीं एस जयशंकर ने चीन को आईना दिखाते हुए कहा कि हमारे संबंध ठीक नहीं, क्योंकि भारत का मानना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीन के विदेश मंत्री किम गोंग से मुलाकात की। जयशंकर ने किम को बताया कि भारत चीन संबंधों की स्थिति असामान्य है, क्योंकि उनकी वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में चुनौती और मुख्य रूप से बॉर्डर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ने G20 एजेंडे पर भी चर्चा की। पिछले साल दिसंबर में विदेश मंत्री बने किम गोंग और जयशंकर की यह पहली मुलाकात थी। इससे पहले करीब 8 महीने पहले बाली में G20 की एक बैठक से इतर तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी और जयशंकर की मुलाकात हुई थी। भारत ने तब भी 1 घंटे की बैठक के दौरान वांग को पूर्वी लद्दाख में लंबित सभी मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरत के बारे में बताया था।